सामने देखो भाई वाटरफॉल। चलो भाई निकलते हैं। सारी जनता रोड खराब होने की वजह से खज्जल हुई है। आगे बुद्धल वाला रास्ता तो खुला ही है ना, रोड बंद है। ये नीचे वाली जो रोड आ रही है सारी बंद है। हम भी चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हमने तो ऊपर से जाना है आगे को, लेकिन वो भी बंद ना हो, क्योंकि सुबह मैंने एक लड़के के वीडियो में वो उसने बना के डाला था तो देखा था, तो रोड वो वाला ऊपर वाला भी बंद है, लेकिन ऊपर से क्या हुआ था कि लैंडस्लाइड आया था, वो शायद जेसीबी ने खोल दिया होगा। बाकी चलते हैं, इसमें थोड़ा सा तेल भी भरवा लेंगे और बाकी जो सामान लाना है वो भी ले आएंगे। ये देखो रोड देख रहे हो भाई 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 भाई, गजब। यही हालात होती हैं भाई पहाड़ों की, पता है क्या है। अब देखो यहाँ देखो, अब ऐसे जगह तो बहुत दिखेंगी। ये देखो ये देखो, पूरा मतलब ये हाथ से ही बना के इन्होंने गाड़ी टपा दी है ऊपर से। अभी जेसीबी वगैरह नहीं पहुँची है यहाँ तक। रोड देखते रहना आप। ये देखो रोड देखो। ओ भाई आराम से आराम से आराम से। क्या खतरनाक रोड है। ओ तेरी। ये देखो भाई सारा ही मामला गिर गया है। ओ देखो देखो, ओ तेरी रे 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 भाई, गजब गजब गजब, कसम से मज़ा आ गया। रोड देख के आज सुबह सुबह, ये रात को बारिश हुई है ना, तो ये बाहर ये नीचे हमारी मार्केट थी, तो ये तो पूरी रोड गिर गई आगे से। आगे दिखाता हूँ आपको, आप देखो यहाँ से आगे ये ग्रिफ लगी हुई है पूरी। ग्रिफ माने के BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखो रोड देखो, ये पूरा ऊपर से ना मामला आ गया नीचे। ये देखो भाई भाई भाई, टप जाएगी तो पानी तो पड़ेगी आराम से। अरे भाई साहब ये क्या है, कल ही मैंने बाइक धोई थी, बताओ बताओ कल बाइक धोई थी मैंने, और आगे देखो क्या हो रहा है। देखो ये देखो ये देखो, ओ तेरी, ये देखो भाई रोड है, ये हमारे जम्मू की रोड है। कितनी खुशी हो रही है ना रोड देख के। यहाँ से आगे अब नहीं हुई होगी सही शायद,
नहीं मैं गलती नहीं करता भाई, रोड देखो दिख रही है सामने से, वो नीचे बिल्कुल नाम और निशान ही मिट गया है रोड का। ओए होए देख रहे क्या हालात है, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ लगा के ऑफिस गए नीचे मार्केट में। यहाँ से आगे तो साफ है, यहाँ से आगे नहीं खराब हुआ होगा। चलते हैं और थोड़ा सा सामान ले आते हैं। सामने देखो भाई वाटरफॉल, तो ऐसे नज़ारे ना यहीं देखने को मिलेंगे हमारे यहीं पे आपको, और बाकी हिमाचल में चले जाए देखो पानी कितना, पानी पानी की कमी नहीं है हमारे यहाँ। ये देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है, आह नज़ारे। पहुंच गए हम भाई अपनी डेस्टिनेशन पे, थोड़ा सा ही दूर रहा है, और ये सामने है वो मार्केट, और इधर से आगे जाना है पेट्रोल पंप पे। भाई घर से बहुत दूर है यार पेट्रोल पंप, कम से कम 20-25-30 किलोमीटर दूर है, उस तरफ भी 30 है, इस तरफ भी 30 किलोमीटर दूर है। और इस मार्केट से थोड़ा सा कुछ सामान वामान लेंगे घर का और फिर वापस चलेंगे, तो थोड़ा सा ही दूर है, चलते हैं क्या करते हैं। ये लोग सारे ना पैदल इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ वो वहाँ से जो मैंने आपको दिखाया ना पीछे का रोड गिर गई है, तो ये उसी वजह से पूरा ये लिंक टूट गया है गाड़ियों का, तो ये लोग अभी पैदल चलने में मजबूर हो गए बेचारे। अब वो बनेगा पता नहीं कब तक बनेगा, लगा तो रखा उन्होंने काम, अब पता नहीं कब बनेगा। देखो बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं भाई पहाड़ में ना, इतनी सहज ज़िंदगी नहीं जी जाती है यहाँ पर भी, यहाँ पर बहुत मुश्किलें हैं। बारिश हो गई तो लाइट खंभे वंभे गिर जाएंगे तो लाइट कहाँ से आएगी, लाइट नहीं है, दो दो तीन तीन तक जब स्नोफॉल हो जाती है तो लाइट भी नहीं आती, लैंडस्लाइड हो जाता है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है भाई यहाँ पे भी, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जीना भाई साहब। ये पुलिया होगी कम से कम 25 साल तो मेरी उम्र हो रही है उतनी होगी, बस इसको बार बार रिपेयर करते हैं, और इसके नीचे नाला है इतना दूर, देखना अभी कितनी आवाज़ करता है ये देखो, ये किस दिन गिर गिरा गया ना तो कोई नाले में ही जाएगा। थोड़ा दूर रहा है भाई, पहले भराऊंगा मैं पेट्रोल, पेट्रोल पंप पे चलते हैं पहले पेट्रोल भरवा के, और टंकी इसकी फुल करवा देता हूँ क्योंकि मैंने जाना भी है 2-4 दिनों में वापस, तो इसकी टंकी फुल करवा देते हैं, और उसके बाद मार्केट से कुछ सामान लेंगे थोड़ा बहुत, और फिर निकलेंगे हम घर की ओर। चलो पेट्रोल पंप पे चलते हैं, अब पैसे निकलवा लेते हैं एटीएम से थोड़े से।
कुछ घर का जो सामान लेने आया था, मेन तो था ये तेल भरवाना और सामान लेना, तो ये भरवा के और उसके बाद निकलते हैं घर को। लंच भी नहीं किया आज, तो मम्मी मम्मी वेट कर रहे होंगे घर पे जाके, तो मैं बोला था कि भाई आके लंच करूँगा, तो अब चलते हैं सीधा और सामान लेकर और सीधा घर निकलते हैं और घर पे लंच वंच करेंगे, मिलते हैं आपको उसके बाद। सामान हमने ले लिया और कुछ छोटा मोटा सामान था घर का, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। सामान हमने ले लिया और क्या करना था बाकी, अभी चलते हैं घर, भूख लग रही है, घर जाके लंच करेंगे। तेल भी भरवा लिया, तो काम हो गया, तो अभी ये चल जाएगा 1000 रुपये का तेल डला इसमें 10 लीटर, तो अभी ये चल जाएगा 500 किलोमीटर, गाड़ी चल जाएगी मेरी आराम से, है ना। तो चलते हैं सीधा घर और मिलते हैं आपको घर पर। ओके गाइस, हमारी वीडियो को सब्सिडी और लाइक भी दे दिया करो, लाइक कर दिया करो हमारी वीडियो को। भाई साहब लाइक क्यों नहीं करते, लाइक नहीं करते हमारी वीडियो को, शेयर नहीं करते हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, क्यों नहीं करती हो आप, कर लिया करो ना, फिर से बोल रहा हूँ मैं ना, कर लिया करो सब्सक्राइब।